एनटीए बेशक पेपर लीक की बात से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान एनटीए को जमकर फटकार लगी। शिक्षा मंत्री ने चार दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, नीट एग्जाम को भी उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या एनटीए को भी इलाज की जरूरत पड़ गई है? डॉक्टर बनके मरीजों का इलाज बाद में, लेकिन डॉक्टर बनाने वाले और उसका टेस्ट लेने वालों का इलाज पहले करने की जरूरत है या नहीं? दिल्ली से करीब 950 किलोमीटर दूर गुजरात के गोधरा पहुंची। गोधरा वही जगह है जहां नीट एग्जाम में धांधली का अजीब केस सामने आया है। पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया था। लर्न प्ले स्कूल था और वहां पर ये पेपर मिले थे और जले हुए पेपर मिले थे। नीट के आयोजक NTA और देश का शिक्षा मंत्रालय सच को स्वीकार नहीं कर रहा है। नीट एग्जाम पटियाला का कमिटमेंट है। पहले सरकार पेपर लीक की बात नहीं मान रही थी, क्लीन चिट मान रही थी। तब पटियाला ने सबूत के साथ देश को पेपर लीक का सच दिखाया था। अब सरकारी जांच में भी पटियाला की लाइन पर ही सब कुछ चल रहा है। नीट के मुद्दे पर पटियाला सरकार से आगे है, क्योंकि उसे केवल पब्लिक का इंटरेस्ट ही समझ में आता है। आज पटियाला देश को नीट परीक्षा लीक केस के 8 बड़े खुलासे दिखाएगा। सबसे पहला खुलासा, नीट पेपर लीक की जांच महाराष्ट्र के लातूर पहुंच गई है। दूसरा खुलासा, नीट पेपर लीक की जांच में CBI की टीम आज गुजरात के गोधरा पहुंच गई है। तीसरा बड़ा खुलासा, यूपी के कुशीनगर में कैंडिडेट को CBI का नोटिस मिला है। चौथा खुलासा, बिहार के पटना में CBI को सबूत मिले हैं। पांचवा खुलासा, पटना की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जांच में क्या क्या खुलासे हुए वो। छठा खुलासा उन जले हुए क्वेश्चन पेपर्स के बारे में है जिन्हें पटियाला लीक के सबूत के तौर पर पहले ही आपको दिखा चुका है। सातवां खुलासा, पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बारे में है जो उसकी पत्नी के फोटो में छिपा हुआ है। और आठवां खुलासा, NTA के चेयरमैन प्रदीप जोशी के बारे में है। आठ के आठों खुलासे विस्फोटक है, नीट पेपर लीक पर सरकार की नीति और नियत दोनों को बदल देंगे। आगे बढ़ने से पहले पटियाला आपको बताना चाहता है कि कुछ दिन पहले सरकार पटना पेपर लीक को कंसीडर ही नहीं कर रही थी और जांच देश की 4 प्रमुख एजेंसियों में अब लग गई है, जिसमें देश की बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI है, आतंक के खिलाफ लड़ने वाली ATS है, राज्य पुलिस है। और अब मांग यह हो रही है कि इस पूरे मामले की जांच में ED को भी लगाया जाए। देश की चोटी की एजेंसियां उसी मामले की जांच में लगी हैं जिन्हें कल तक स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था, माना ही नहीं जा रहा था कि ऐसा हुआ भी है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI नीट पेपर लीक पर ऑल इंडिया इंक्वायरी शुरू कर चुकी है। यह पटियाला और पब्लिक इंटरेस्ट के दर्शकों की नैतिक विजय है। पब्लिक इंटरेस्ट की लगातार कवरेज ने सरकार को मजबूर किया है, वरना सरकार तो इसे लोकल गलती बताकर टालने के मूड में थी। अब पटियाला आपको बताएगा कि CBI की जांच कैसे होगी, CBI क्या पता करेगी और नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ या नहीं इसको कैसे तह तक लेकर जाएगी, सुरक्षा के बावजूद किसने पेपर लीक करवा दिया। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए CBI की टीम बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गुजरात के गोधरा तक पहुंच गई है। गुजरात और बिहार के स्थानीय पुलिस ने कथित पेपर लीक को जो भी जांच करके मामले दर्ज किए हैं, इसमें अब उन मामलों की जांच को CBI ने टेक ओवर कर लिया है। पहले दिन से पटियाला आपको नीट परीक्षा में हुई धांधली के बारे में सरकार से पहले सूचना दे रहा है, हर सूचना पहले दे रहा है, पेपर लीक की हर लोकेशन के बारे में पहले बता रहा है। पहले गुजरात, फिर बिहार और उसके बाद झारखंड होते हुए नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। CBI को यह पता लगाना है कि नीट परीक्षा में नकल और लीकेज का दावा सही है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके तार कहां तक और कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब पटियाला आपको नीट पेपर लीक मामले में CBI जांच की बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहा है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब यह केस आगे बढ़ेगा तो आपको इसी वजह से हर चीज को समझने में आसानी होगी। CBI ने अपनी पूरी जांच को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा कौन सा है, क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी। CBI को प्रश्न पत्र छापने और उस प्रोसीजर की जांच भी करनी है जिसके तहत ये सेंटर तक पहुंचते थे।
सीबीआई इसकी भी जांच करेगी कि प्रश्न पत्र देश के अलग अलग राज्यों में कैसे भेजे जाते थे, तरीका क्या था, और एग्जाम सेंटर्स तक नीट के क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचाए जाते थे, यानी जब उस लोकल राज्य में पहुंच गए या जिला में पहुंच गए तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर तक वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता था। नीट पर ऐसा कवरेज शायद पटियाल के सिवा आपको और कोई नहीं देगा, इसलिए आप पटियाल के साथ बने रहिए। अब ये समझिए कि सीबीआई की जांच के रडार में है कौन कौन। जिन्होंने नीट का प्रश्न पत्र सेट किया वो है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर छपवाने और छापने का जिम्मा था वो भी है उनके जांच के दायरे में, जिनके पास देशभर में क्वेश्चन पेपर भेजने की जिम्मेदारी थी और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र की सुरक्षा जिनके हाथों में थी, ये सब इस जांच के दायरे में है, किसी गलतफहमी में ना रहे। अब पटियाल नेट पेपर लीक को लेकर ऑल इंडिया जांच की रिपोर्ट आपको देगा जो देश के 5 राज्यों में इस वक्त चल रही है। अब आप स्टेट वाइज स्टेटस सुन लीजिए कि किस राज्य में क्या अपडेट है। सीबीआई की एक टीम इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। पटना में ही उसने सबसे पहले पेपर लीक का दावा किया था, क्योंकि वहीं पता लगा था ना, आपको बताया था ना पटियाल ने कि 4 मई की रात को, क्योंकि 5 मई को एग्जाम होना था और 4 मई की रात को हो गया था ना लीक, वहां पर रटवाए गए थे ना क्वेश्चन, आ रहा उसी पे। पटना में नीट का पर्चा लीक होने के वहां सबूत मिले थे, शिक्षा माफिया से लेकर कैंडिडेट तक उसमें आरोपी है, जो जांच बिहार में चल रही है उसमें। परीक्षा से पहले एक स्कूल में करीब 20-25 कैंडिडेट्स को पेपर रटवाया गया और ये कबूलनामा अब सीबीआई को मिल गया है जो पहले बिहार पुलिस के पास था। दूसरी टीम सीबीआई की गुजरात में है, पंचमहल जिले का गोधरा निशाने पर है और गोधरा में ओएमआर शीट को खाली रखने और बाद में सही जवाब के गोले भर देने की मॉडस अपरेंडाई सामने आई है। गोधरा के जय जलाराम स्कूल सेंटर पर करीब 2500 कैंडिडेट ने नीट का एग्जाम दिया था, इसमें से 60 छात्र ऐसे हैं जिनके 500 से अधिक नंबर आए, 60 में से 8 छात्र ऐसे हैं जिनके 640 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। गलती का खुलासा हुआ है जहां से नीट पेपर लीक का दावा भी किया जा रहा है। शुक्रवार को पटियाल ने इसी गोधरा के जांच अधिकारी डीएसपी एमवी पटेल का स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने गोधरा एग्जाम सेंटर पर हुई गलतियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने ये बताया था कि क्वेश्चन पेपर रिक्शे में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आप अंदाजा लगाइए, नीट का एग्जाम रिक्शे में ले जाया जा रहा है, और हजारीबाग में क्या हुआ, हजारीबाग में भी इसके सबूत मिलने लगे हैं, इसी तरह के सबूत मिलने लगे हैं। नीट पेपर लीक कोई मामूली आपराधिक घटना नहीं है, यह पूरा देश समझ रहा है, यह देश में मां बाप और बच्चों की चिंता है जो देश की सरकार के खिलाफ विश्वास का संकट पैदा कर रही है। पहले सरकार के लीक से इनकार आते रहे कि ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन अब जांच महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में एटीएस ने सुराग दिया और पुलिस ने एक्शन लिया। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक जलील पठान को और संजय जाधव को गिरफ्तार किया गया, दो लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए। जलील पठान को आज ही कोर्ट में पेश किया गया, जबकि दूसरे आरोपी संजय जाधव को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पठान को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब आपको नीट पेपर लीक में एटीएस की एंट्री और पुलिस के एक्शन के बारे में विस्तार से बताता हूं। इसमें पहले पटियाल के पास एक बड़ा सबूत है जो सरकार की मदद करेगा। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको कुछ बुनियादी चीजें समझाना जरूरी है, मैं उनके बारे में बता देता हूं कि दरअसल महाराष्ट्र में हुआ क्या है। दरअसल एटीएस को दिल्ली और बिहार के पेपर लीक के कुछ इनपुट मिले थे, एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, जो आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है, बड़ा सेंसिटिव सेल है ये महाराष्ट्र पुलिस का। इनपुट के आधार पर एटीएस ने 2 लोगों से पूछताछ की, ये दोनों एक कोचिंग क्लास से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एटीएस ने शुरुआती पूछताछ के बाद दोनों लोगों को छोड़ दिया, लेकिन पूछताछ के दौरान उन दोनों के फोन से कुछ ऐसे मैसेज और स्क्रीनशॉट मिले जिसके आधार पर एटीएस ने लातूर के शिवाजीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी टीचर जलील पठान को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की एफआईआर में 4 लोगों का नाम दर्ज है, इसमें संजय जाधव अरेस्ट है जो कि लातूर जिले में ही शिक्षक है। एटीएस की गिरफ्त में आया जलील खान पठान भी लातूर का ही रहने वाला है और ये दोनों जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं। दिल्ली का गंगाधर और धाराशिव का मणाजी कोंगलवार, ये अभी फरार चल रहे हैं, ये 2 आदमी हैं।
अब आपको इन आरोपियों पर लगे आरोप और उनके सिंडिकेट के बारे में बताता हूं। दिल्ली के एक आरोपी हैं और उसका नाम है गंगाधर। गंगाधर का दोस्त है संजय जाधव जो अरेस्ट हुआ है। संजय के दोस्त हैं जलील और मशणा जी। गंगाधर और संजय जाधव सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तरह एक दूसरे से जुड़कर इन चारों की आपस में चेन बनी हुई है। दावा यह भी है कि ये पैसे के बदले नीट परीक्षा पास कराने का चारों रैकेट चलाते हैं। सुराग मिलने पर जब एटीएस जलील पठान और संजय जाधव के पास पहुंची तो मोबाइल फोन चेक किए गए इन दोनों के। फोन की फोटो गैलरी में कई नीट कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड मिल गए। पेपर लीक से जुड़े संदिग्ध व्हाट्सएप चैट भी मिले जो इन्होंने डिलीट शायद नहीं किए थे। जलील पठान और संजय जाधव के फोन से पैसों के लेन देन के सबूत भी सामने आए। आरोपी शिक्षक जलील पठान और संजय जाधव पेपर लीक कराने वाले बिचौलियों से भी बातचीत करते थे। इन सभी सबूतों के आधार पर एटीएस ने एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन यहां सवाल यह है कि दिल्ली में बैठा गंगाधर कौन है? यही वो शख्स है जिसके बारे में पटियाल ने आपसे ये दावा किया था कि एक बड़ा सबूत मिला है जो पेपर लीक जांच में पुलिस की मदद करेगा। एटीएस की पूछताछ में आरोपी जलील पठान और संजय जाधव ने बताया कि दिल्ली में बैठा गंगाधर नीट परीक्षा पास कराने की गारंटी लेता था। कैंडिडेट की खोज और उनसे पैसा इकट्ठा करने का काम किसका था? जलील और संजय का। सारा पैसा इकट्ठा करके दिल्ली में गंगाधर के पास भेज दिया जाता था। अब एक सेकंड के लिए आप पहले सुन लीजिए, बिहार और झारखंड वाली एक चेन बता दी हमने जो पेपर लीक वाला पूरा माफिया राज वहां चल रहा है, और दूसरा महाराष्ट्र और दिल्ली का यह चेन बता दिया। उधर पुलिस ने गंगाधर का नाम लिया, इधर पटियाल की टीम गंगाधर के पीछे पड़ गई दिल्ली में। अब पटियाल देश को एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा है और वो ये है कि पटियाल की टीम ने गंगाधर को खोज लिया है, वो दिल्ली में ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजातिका सिंह ने गंगाधर को फोन किया। अजातिका ने गंगाधर से बात की। पटियाल की जानकारी के मुताबिक अभी पुलिस गंगाधर तक नहीं पहुंच पाई है, वो एबीपी न्यूज को धमकी देने लगा। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह डरी नहीं, शाबाश अजातिका। उन्होंने गंगाधर से वो सवाल पूछे जो एक पत्रकार को पब्लिक इंटरेस्ट में निडर होकर किसी भी आरोपी या शक्की आदमी से पूछने चाहिए। अब आप भी इस बात को सुन लीजिए, ऐसी कवरेज शायद आपको और कोई नहीं दिखाएगा। हेलो, गंगाधर जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलो। गंगाधर जी, मैं अजातिका बोल रही हूँ एबीपी न्यूज से। सर आपका नाम? एक काम करो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। बार बार फोन मत करना मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं तो पहली बार कर रही हूँ। मैं आपने पास नहीं, पहली बात नहीं, मेरे को 500 बार हर बंदे का फोन आ रहे हैं। मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मैं पुलिस थाने में कल कंप्लेंट करूंगा सबके नाम की, ठीक है ना? क्यों मेरे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है? फालतू के चक्कर में मेरा कोई संबंध नहीं, ना मेरे को बात करना मत सर। फिर आपको नहीं, आपको जो करना है कर लो, आपके काम करो। मेरा नंबर है ना आपके पास, आपको जो करना है करो, मेरे को तंग मत करना। मैं कहीं घूमने के लिए आया हूँ मैं, ठीक है ना? और मेरे को फोन मत करना, आपको जो करना है पुलिस के अंदर जाना है। सर आप मुलाकात कर सकते हैं? मुलाकात कर सकते हैं आप? हाँ मैं परसों मेरे को कर लेना, मुलाकात कर लेना परसों मेरे साथ, और पहले पुलिस थाने के अंदर मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा पहले। ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवाइएगा। लेकिन सुनिए तो सर, आपका नाम जो आ रहा है, हाँ, उस पर आपका नाम क्यों आ रहा है सर? भाई मैडम मेरे को सुनना नहीं, मैं रहता हूँ हरियाणा में, ठीक है ना? मैं ड्यूटी करता हूँ और मेरा नाम कैसे आएगा? क्या करते हैं सर आप? मैं सर्विस करता हूँ मैं। सर तो क्या पता आपका नाम गलत आ रहा हो, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। बात कर रहे हैं, मैं कल पुलिस स्टैंड दूंगा पहले कि मेरा नाम आ रहा है, उसके बाद मेरे पास आ जाना। क्या काम करते हैं सर आप? क्या काम करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस किस में करते हैं सर? अरे अरे मैडम मैं अभी कहीं घूमने आया हूँ। सर ये तो बता दीजिए, सर्विस कहाँ करते हैं, किस में करते हैं? कल बात करना मेरे को, कल शाम को बात करना। कल भी करेंगे सर, एक बार बता दीजिए सर्विस कहाँ करते हैं? मैं गुड़गांव सर्विस करता हूँ। सर गुड़गांव में सर्विस क्या करते हैं, कोई पेशा होता है ना? कंपनी में कोई ऑपरेटर का काम करता हूँ मैं। कौन सी कंपनी में सर? अरे यार मैं सारा अभी चीज नहीं बताऊंगा, मैं एक घूमने आया हूँ, पार्टी में आया हूँ, मेरे को तंग। गंगाधर आप पुलिस के पास जरूर जाएं, क्योंकि शायद ये काम आसान हो जाएगा, पुलिस को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। गंगाधर को आपने सुन लिया, अब आप नीट पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षक जलान को सुनिए, जलील पठान को सुनिए। जलील को महाराष्ट्र एटीएस ने अरेस्ट किया है। यहाँ लातूर में रहता हूँ, मेरा स्कूल का नाम जिला परिषद प्राथमिक शाला कातपुर पे, मैं
मुख्याध्यापक हूँ वहाँ पे, मुझे फजर में उन्होंने कुछ पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में आके मुझे थोड़ा पूछताछ करने के लिए बल्कि एसपी ऑफिस लेके गए और मुझसे थोड़ा पूछताछ किए, मेरा अकाउंट चेक करे, मेरे मोबाइल चेक करे, ऐसा कुछ भी उसके अंदर निष्पन्न नहीं हुआ उनको, और कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ तो भी उनको मिसमैच हुआ होगा शायद। बिहार की राजधानी पटना को नीट पेपर लीक कैपिटल माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट रिवाइज करवा देता हूं। आरोप है कि पटना के लर्न प्ले स्कूल में 4 मई की रात को एग्जाम से एक दिन पहले 20-25 कैंडिडेट को नीट की आंसर शीट याद करवाई गई थी। पेपर लीक के एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट का एक्शन और भी तेज हो गया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट ने झारखंड के देवघर से बलदेव कुमार उर्फ चिंटू को अरेस्ट किया है और इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट का यह दावा है कि बलदेव कुमार पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के गिरोह का ही सदस्य है। इसी गिरोह के पास पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे। आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बलदेव कुमार को 5 मई की सुबह मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए नीट के लीक पेपर की आंसर शीट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल गई थी। उसके बाद स्कूल के प्रिंटर से कॉपी निकाली गई, कैंडिडेट्स को आंसर की रटवाई गई और कैंडिडेट्स को लाने जाने के लिए लर्न प्ले स्कूल से 2 किलोमीटर दूर पर एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट बनाया गया था, यानी वहां से उठाना है वहीं छोड़ना है। सबको प्राइवेट व्हीकल में छोड़ा गया था वहां पर। पटियाल को यह भी पता चला है कि आरोपी किराए के मकान में मजदूर बनकर रहते थे ताकि किसी को यह शक ही ना हो कि ये स्टूडेंट्स हैं या ये स्टूडेंट को नकल करवाने वाला माफिया है। पटियाल ने आपको बताया था कि पटना के लर्न प्ले स्कूल में एग्जाम पेपर रटवाने के बाद आरोपियों ने आंसर शीट और आंसर की जला दी थी, लेकिन जांच अधिकारी को जले हुए टुकड़े मिल गए थे। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में खुलासा यह हुआ कि पेपर संजीव मुखिया गिरोह ने ही जलाए थे। लेकिन पटियाल अब एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है और वो ये है कि पेपर लीक के झारखंड कनेक्शन क्या है। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा की टीम आज झारखंड के हजारीबाग पहुंची। यहां के नूतन नगर में ब्लू डार्ट कोरियर सर्विसेज के कार्यालय में जांच की गई। एक बक्से को वहां से जब्त किया गया। दावा यह है कि नीट का प्रश्न पत्र रांची बैंक्स के लॉकर से निकलने के बाद ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस के जरिए ही हजारीबाग लाया गया था। इसके बाद SBI ब्रांच से इसे प्रश्न पत्र को कड़ी निगरानी के बीच अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाया गया। पटियाल की टीम ने इस सूचना का परीक्षण किया तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फिर कटघरे में खड़ी हो जाती है। हमें पता यह चला कि ब्लू डार्ट ने नीट क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हैंडओवर टेकओवर में NTA के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। पेपर को बक्से में रखकर रिक्शे में ले जाया गया। बताइए, नीट पेपर लीक कांड में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले हजारीबाग के ओएसएस स्कूल परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था। इस पूरे मामले में जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है वो भी जांच के दायरे में आ गई है। देखिए, हजारीबाग में हम उसी कुरियर कंपनी के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। बिहार की EOU की टीम ने हजारीबाग में नूतन नगर में इसी कुरियर सर्विस के कार्यालय में आकर जांच की है। यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और रांची के ब्लू डार्ट कुरियर के कार्यालय से भी कर्मचारियों को यहाँ बुलाया गया था, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ हुई है। यहाँ से EOU की टीम कुछ अहम कागजात जब्त करके ले गई है। EOU ने कहा है कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एवं हैंडओवर व टेकओवर में NTA के निर्धारित मानकों का पालन जो है वो नहीं किया गया है। इसके कारण प्रश्न पत्रों के बक्सों और लिफाफों में हुई छेड़छाड़ नहीं पकड़ी जा सकी है। इसको देखते हुए पूरी चेन ऑफ कस्टडी में किस स्तर और किस समय प्रश्न पत्र का लीकेज हुआ, इस संबंध में जाँच चल रही है। लेकिन देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो स्टाफ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये जांच के दायरे में ये कुरियर कंपनी भी आ गई है, EOU की टीम भी पहुंची थी, कई दस्तावेज ले गई है यहाँ से। हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं है सर, वो आए हैं, हम लोग अपना काम रेगुलर करवाते हैं, वो आए हैं, लोग मैनेजर लोग लंच करने गए हैं, वो लोग बताएंगे सर। आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि EOU की टीम यहाँ पहुंची थी? नहीं सर, हमको कुछ नहीं। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सब बात सामने आ रहा है, आपको पता है ये? नहीं सर, हमको कुछ नहीं। रांची बैंक से लाया गया था ना कुरियर, इसी कुरियर कंपनी के जरिए प्रश्न पत्र? नहीं सर, हमको पता नहीं सर। पूरे घटना की आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं। जांच टीम यहाँ आई थी कि नहीं?
अच्छा हमको क्वेश्चन बताया, मैनेजर लोग गए हैं खाने के लिए, लोग आएंगे उससे बात कर लीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक। आप यहाँ पे क्या है? वर्कर है सर, स्टाफ। आप बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, स्टाफ है। तो देखिए, यहाँ के स्टाफ हैं, कुछ भी बोलने से पूरे मसले पर जो है वो बच रहे हैं। देखा आपने क्या लापरवाही हो रही थी? एनटीए के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। पटियाल की इस जांच को वो जांच एजेंसी जरूर देखे जो एनटीए की जांच और सुधार के लिए तैयार की गई है। एग्जाम के नाम पर बच्चों से मोटी फीस वसूलने वाला एनटीए नीट पेपर्स को कुरियर कंपनी के सहारे छोड़ देता है। ये तो पेपर लीक की कहानी का एक हिस्सा है। अब आगे सुनिए। आपको याद होगा कि पेपर लीक केस की कवरेज में पटियाल लगातार आपको लर्न प्ले स्कूल में मिले जले हुए टुकड़ों की जानकारी दे रहा था। पटना इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को शक था कि ये क्वेश्चन पेपर के जले हुए टुकड़े हैं जो लीक हुआ है। इसके लिए वो एनटीए से असली क्वेश्चन पेपर की कॉपी मांग रही थी ताकि दोनों का मिलान हो सके, लेकिन एनटीए उसे लटकाने, भटकाने और अटकाने में लगी रही। जैसे ही एनटीए ने ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की कॉपी दी, दोनों का मिलान किया गया और आज बड़ा खुलासा हो गया। वो क्या है? जले हुए क्वेश्चन पेपर का सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को दिया गया था। क्वेश्चन पेपर में मैच हो गया, इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पटना में जो नीट क्वेश्चन पेपर मिला है वो झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। कोड से ये खुलासा हो गया, कोड नंबर से। पटियाल की टीम को पता चला कि पेपर लीक करने के लिए तीन स्तर पर गड़बड़ी हुई। वो कहां कहां है? पहला, हजारीबाग के सेंटर में प्रश्न पत्र जिस पैकिंग में पहुंचे। दूसरी गड़बड़ी, कैंडिडेट को जिस पैकिंग में प्रश्न पत्र दिया गया। और तीसरी, क्वेश्चन पेपर जिस ट्रंक में रखे गए थे उसमें भी पैकिंग से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। पटना पेपर लीक की जांच करने वाली इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की टीम ने ओएसएस स्कूल में कर्मचारियों से पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए, जो कि नीट पेपर लीक की दिशा में एक बड़ा सबूत है। सरकार को इसे कंसिडर करना चाहिए। आपको याद होगा शुक्रवार को पटियाल ने जो स्टिंग दिखाया था उसमें गोधरा केस के जांच अधिकारी एमबी पटेल ने यह दावा किया था कि एनटीए कोऑर्डिनेटर्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं करते, क्वेश्चन पेपर रिक्शे में लेकर जाए जाते हैं। ये बातें हजारीबाग में भी सच साबित हो रही हैं। हजारीबाग में जिस ओएसएस स्कूल में पेपर लीक का दावा किया जा रहा है उसके प्रिंसिपल ही जिले में एनटीए के कोऑर्डिनेटर थे। इनका नाम एहसान उल हक है। एहसान उल हक साहब की अब सफाई सुन लीजिए आप, वो क्या दे रहे हैं। डॉक्टर एहसान उल हक वो हमारे साथ हैं, पूरे मसले पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले जो नीट का प्रश्न पत्र है हजारीबाग के इसी सेंटर से लीक हुआ था, ये स्कूल जो है एनटीए ने इसको परीक्षा केंद्र बनाया था, कितनी सच्चाई है? जी, ये एनटीए का परीक्षा केंद्र था, ये 100% सच है। और मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी था, मैं सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे अंडर में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हुआ, ये सत्य है। जब ईओयू की टीम हजारीबाग गई थी 21 जून को, तो उन्होंने सबसे पहले हमसे मुलाकात किया था क्योंकि मैं सिटी कोऑर्डिनेटर था, और सारा ब्यौरा लिया कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हुआ, ऐसा ऐसा। उन्होंने पूछा कि एक सीरियल नंबर बुकलेट पटना में उसकी कॉपी उनको मिली थी, तो वो बुकलेट हजारीबाग का ही था, तो वो बुकलेट नंबर उन्होंने दिया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि वो बुकलेट जो नंबर आ रहा था उस इसी सेंटर का था। हमने अटेंडेंस वगैरह चेक किया तो इस सेंटर पे उस बुकलेट में किसी बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ओके हो गया कि बच्चे ने यहाँ एग्ज़ाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो बुकलेट पटना पहुँचा कैसे? तो ऑब्वियसली 5 तारीख को हम लोगों ने SBI जुल्लू पार्क ब्रांच से ये क्वेश्चन ट्रंक्स हम लोगों ने रिसीव किया था, और वो उस समय जिस समय रिसीव किया था CS और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में रिसीव हुए थे, वो फिर यहाँ आया और यहाँ दोनों की मौजूदगी में रखा गया था। और बॉक्सेस जब खुलती हैं वो करीब 1:15 जो डेजिग्नेटेड टाइम था उस टाइम पे खुलना था, और जैसा कि SOP कहता है कि आयरन बॉक्सेस जब भी खुलेगी तो उस समय एक CS मौजूद रहेगा, 2 डिप्टी CS मौजूद रहेंगे, एक
एनटीए का भेजा हुआ ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा, दो इन्विजिलेटर मौजूद रहेगा और दो कैंडिडेट्स जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ये सभी देखेंगे कि ये सारी एसओपीज फॉलो की जा रही है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, वो सारी एसओपीज फॉलो करते हुए सब कुछ किया गया। आपको बता दें कि वो जो बॉक्सेस होती है वो 7 लेयर्स में होते हैं, तो वो 7 लेयर सब के सामने खोला गया, सबकी वहाँ पर सहमति थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बैंक में सारे सेंटर्स को क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए थे, 7:30 से 8 बजे के बीच सारे सेंटर्स वहाँ से क्वेश्चन ट्रक्स लेकर के अपने अपने सेंटर चले गए। यहाँ पे परीक्षा कितने बजे आयोजित की गई थी? परीक्षा बच्चों को क्वेश्चन पेपर 1:40 पे प्रोवाइड करना था, 1:15 में क्वेश्चन पैकेट्स को खोलना था और क्वेश्चन पैकेट्स खुलने के बाद 1:40 तक सारे बच्चों को क्वेश्चंस बांट देना। ये आंसर पैकेट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन बुकलेट्स होते हैं, वो इस तरह के एक प्लास्टिक के इन्वेलप में होते हैं जो जो टेम्पर प्रूफ होता है, तो उसी इन्वेलप में ही एडेसिव से चिपका होता है। तो नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम प्रोसेस में क्या होता है कि 24 जो बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में, उन बच्चों के सामने इसको दिखाना होता है कि दैट इट इज़ ऑल सील्ड, तो बच्चों को टीचर्स दिखाते हैं, जो इन्विजिलेटर दिखाते हैं और फिर कैंची से उनके सामने काटते हैं। पैकिंग ट्रंक में छेड़छाड़ हुआ, ये ईओयू को यहाँ लग रहा है। जो ईओयू की टीम आई थी उसने इसी पैकेट को, जो अनयूज पैकेट था, इसका अपोजिट एंड दिखाया और दिखाया कि इसके अपोजिट एंड में एकदम बिल्कुल माइन्यूट सा बारीक सा यहाँ कट का कुछ मार्क है, जो उन्होंने बताया कि जो बहुत हाईली स्किल्ड लोग होंगे वही देख सकते हैं। और बक्से की बात करते हैं तो बक्सा देखिए, जो इन नीट में एग्ज़ाम जो बक्सा यूज़ हुआ था उस बक्से में 2 ताले थे, एक ताला था नॉर्मल ताला था जिसे जिसका हैंडल को कट करना था बगल में दिया हुआ आरी से, और दूसरा ताला था जो कि डिजिटल लॉक था, उस डिजिटल लॉक को 1:15 में स्वयं खुलना था जैसा कि एनटीए ने सब लोगों को डायरेक्शन दिया था, लेकिन पैन इंडिया में 1:15 में कहीं भी वो ताला नहीं खुला। 1:20 से सारे परेशान हो गए, सीएस ऑब्जर्वर्स और सीजीज वो एनटीए को फ़ोन करने लगे। ऑलमोस्ट 1:20 से 1:25 के बीच में एनटीए ने कहा कि उसी आरी से उस ताला को भी वैसे ही कट किया जाए जिसे इसको कट किया गया था, तो डिजिटल लॉक कट किया गया था। इसके बारे में ईओयू जानकारी ले रहे थे कि क्यों काटा गया, तब बताया गया कि ऐसी बात हुई कि जब वो नहीं खुला तो विद द परमिशन ऑफ एनटीए वो कट किया गया। बिहार में शुरुआत से ही नीट पेपर लीक की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने परीक्षा में धांधली का बिहार चैप्टर खोला। ईओयू जांच में सोनू नाम के एक शख्स को शामिल कर रही है। सोनू के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि वो कोटा में पढ़ाई कर रहा था और नीट एग्जाम के लिए उसका सेंटर पटना था। सोनू का एडमिट कार्ड पेपर लीक करने वालों के पास से बरामद हुआ था। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने 19 जून को सोनू को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन सोनू 6 दिन बाद पूछताछ के लिए सामने आया। देरी की वजह पर पटियाल के साथी प्रकाश कुमार हैं जिन्होंने सोनू के पापा से बात की। सोनू को ये नोटिस भेजा गया था कि वो यहाँ यूयू के सामने 19 तारीख को आए, लेकिन आप आज आ रहे हैं, क्यों? देखिए, 19 तारीख को हमको नोटिस मिला गांव में पोस्ट ऑफिस द्वारा, शाम 7 बजे। तो 7 बजे नोटिस पर आते, उसको हम तामिल कर लिए, उसको पढ़े, पढ़ने के बाद मिलने के लिए उसी दिन समय था। तो हम लोग तो देहात में रहते हैं, 2 नदी का भीतर है, तो हम लोग कैसे आ पाते? तो रात को तो नहीं, हम लोग को 9 नदी चलता है। तो उसके बाद मैंने बचबो भी कोटा में था, एडमिशन है वहाँ पढ़ता था, तो हमने उसको भी कॉल किए और उसको मंगाए, तो समय लगा। वो तत्काल टिकट से आया, तो कल आया, तो कल रविवार था, तो हम लोग रुक गए, आज सोमवार था, वो जो मिलने के लिए आए। सोनू का एडमिट कार्ड कैसे उन लोगों के साथ मिला? जानकारी मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मेरे बचवा को मिल रहा, जो ये कार्ड कहाँ से ऊपर कर लिया, लोग कहाँ से लिया। तो सोनू क्या इन्वॉल्व है इस सब मामले में, प्रश्न पत्र लीक के मामले में, रटाने में? नहीं, कोई पता नहीं। बिहार, गुजरात, झारखंड के अलावा परीक्षा में गड़बड़ी के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। यूपी के कुशीनगर के एक कैंडिडेट को सीबीआई ने नोटिस भेजा है। कुशीनगर के रहने वाले इस कैंडिडेट का नाम है निखिल सोनी। पटियाल ने सीबीआई नोटिस से निकले नाम की पड़ताल की तो पता यह चला कि निखिल सोनी कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तबीयत खराब होने पर निखिल सोनी लौटकर लखनऊ में आ गया और वहीं पर अपनी मेडिकल की तैयारी करने लगा। निखिल गर्मी की छुट्टियों में कुशीनगर लौट आया और तब से वहीं पर रह रहा था।
इसी दौरान बीते शुक्रवार को दिल्ली से सीबीआई की एक टीम कुशीनगर पहुंची। पड़रौना में ब्रजेश सोनी नाम के एक व्यापारी के घर पर गई। ब्रजेश सोनी के बेटे निखिल को हिरासत में लिया। तकरीबन 6 घंटे तक उससे पूछताछ हुई। बाद में सीबीआई की टीम ने निखिल सोनी का मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ स्टडी मटेरियल अपने साथ ले लिया। अब सीबीआई ने उसे दोबारा पूछताछ के लिए दिल्ली आने का नोटिस भेज दिया है। यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन है और वो ये है कि निखिल सोनी नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सीबीआई ने उसे यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में पूछताछ की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनटीए ने यूजीसी का नेट एग्जाम करवाया था, 18 जून को हुआ था, उसका पेपर भी लीक हुआ था, उसे अगले ही दिन कैंसिल भी कर दिया गया था। तो ये हो सकता है कि उस मामले में पूछताछ के या उसके तार जोड़ने के लिए सीबीआई निखिल को बुला रही हो। एनटीए से जुड़े एक और विवाद के बारे में आपको आज अपडेट देना है। इसके बाद नीट पेपर धांधली को लेकर दिल्ली में आज जो हंगामा और राजनीति हुई उसका परीक्षण करूंगा। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया, लेकिन एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी विवादों में आ गए हैं। प्रदीप जोशी को शिक्षा मंत्रालय की उस कमेटी का हेड बनाया गया है जो पेपर लीक के बाद एनटीए में सुधार के लिए बनाई गई है। प्रदीप जोशी को लेकर भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। पटियाल ने प्रदीप जोशी पर लगे आरोपों की भी जांच की। एबीपी संवाददाता नितिन ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, ओपन स्कूल घोटाला, संस्कृत बोर्ड घोटाला, मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में घोटाला, ऐसे कई घोटाले हुए हैं जिसमें शिक्षा क्षेत्र में युवाओं का जो नौकरी या जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो एडमिशन था उनमें सब में उनका भविष्य धूमिल हुआ है। सब में भारी पैसा चला, अनियमितता चली है, भाई भतीजा वाद हुआ है और दुर्भाग्य से ये सारे घोटाले मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में लगातार जो सरकार में रही भाजपा उसके कार्यकाल में हुए और कहीं ना कहीं इन घोटालों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही घोटालों के जो संस्थाओं में जो किरदार थे वो आज राष्ट्रीय स्तर पर भी बैठे हुए हैं, चाहे वो पीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जोशी हों, जो वर्तमान में एनटीए के अध्यक्ष हैं। यदि उचित समय पर पहले कार्रवाई होती तो शायद नीट जैसे घोटाले न होते।